Hello, my student of class 12th science. Now we discuss another question of the determinant of 3 by 3 order. Clear? चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं. एक क्वेश्चन दिया है डिटरमिनेंट में, ये प्रूव दैट a प्लस x y z x a प्लस y z और x y a प्लस z equals to a square a plus x plus y plus z. क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे सुनते रहे ध्यान से. लेफ्ट को लेके चलना है और वो आंसर लेकर के आना है. तो ध्यान से देखिए, जो हमें आंसर लेकर के आना है राइट हैंड साइड में, उसमें लिखा हुआ है कि a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि आप देख भी रहे होंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को आप कैसे बना सकते हैं इस डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, जरा वो बात सोचिए आप कि कैसे उसको आप बना सकते हैं. सोचिए, देखो, यदि हम इस C1 में, इस कॉलम नंबर 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि हम C1 के अंदर मींस कॉलम 1 के अंदर C2 और C3 ऐड कर देते हैं तो C1 की सारी एंट्री बन जाएंगी a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, तो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, यहां पर लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड. कैसे कि C1 चेंज बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 चेंज बाई C1 प्लस C2 प्लस C3. चलिए, तो इस C1 में ऐड कीजिए C2 को और C3 को, तो बनेगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर बनेगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर बनेगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. उसके बाद C2 और C3 रख दिया ऐसे ही y a प्लस वाई वाई. चलिए, अब ध्यान से देखिए, C1 में सभी एंट्रीज a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो चुकी हैं. C1 की सभी एंट्री सेम हो चुकी हैं, जो कि आप देख भी रहे हैं, तो इसको फटाफट आप बाहर कॉमन ले लीजिए. ठीक है, तो यहां से a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा, तो मेरे पास बचेगा वन 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 और ये बचेगा वाई ए प्लस वाई वाई जेड जेड ए प्लस जेड. ठीक है, अब यहां से सोचिए आप मैक्सिमम जीरो कैसे बनाएं. यहां से आप जीरो बना लीजिए और जीरो बना करके फिर हम उस रो या उस कॉलम के रेस्पेक्ट में ही इसको ओपन कर देंगे. क्लियर? तो जरा सोचिए जीरो कैसे बन सकती है मैक्सिमम. देखो, यदि आप यहां पे
आर वन में से आर टू माइनस कर दें, मीन्स आर वन चेंज बाय आर वन माइनस आर टू एंड आर थ्री चेंज बाय आर थ्री माइनस आर टू, तो हमारे पास मैक्सिमम जीरो बन जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं फटाफट। हम अप्लाई कर रहे हैं यहां पे ऑपरेशन कि आर वन चेंज बाय आर वन माइनस आर टू और आर थ्री चेंज बाय आर थ्री माइनस आर टू। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर टू हम चेंज कर रहे हैं आर वन के अंदर भी और आर थ्री के अंदर भी विद द हेल्प ऑफ आर टू। तो चलिए ये बनेगा कुछ इस तरह से, जब हम आर वन में चेंज करेंगे कि आर वन माइनस आर टू तो आर वन की एंट्री करेंगे जीरो, फिर वाई में से जाएगा ए प्लस वाई तो ये बनेगा माइनस ए और जेड माइनस जेड जीरो, उसके बाद वन ए प्लस वाई रहेगा ऐसे ही, जेड भी रहेगा ऐसे ही और आर थ्री में चेंज करो आर थ्री माइनस आर टू तो वन में से जाएगा वन जीरो, वाई में से जाएगा ए प्लस वाई तो बचेगा माइनस ए और उसके बाद में ए प्लस जेड में से जाएगा जेड तो बचेगा ए। तो इस तरह से ये मेरे पास में रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट आ गई है। ठीक है, चलिए इतना कुछ करने के बाद में अब जरा ध्यान से आप ये बात सोचिए कि हम इस डिटरमिनेंट को किस रो या किस कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करें। ध्यान से देखिए और सोच करके बताइए। ध्यान से देखिए और सोच के बताइए। देखो यदि हम इस डिटरमिनेंट को अभी फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। दोबारा फिर सुनिए ध्यान से, यदि हम अपने डिटरमिनेंट को अबाउट द फर्स्ट रो और अबाउट द फर्स्ट कॉलम ओपन कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो में दो जीरो हैं, उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे भी दो जीरो हैं जो कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा तो यहां पे लिखना पड़ेगा, सॉरी इससे पहले मैं यहां पे लिखना भूल गया, ये जो ए प्लस एक्स प्लस वाई जेड है ना ये इधर भी आएगा तो वो आप लिख लेना कि ये बनेगा एक्स पेंडिंग अबाउट एक्सपेंडिंग अबाउट एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम चलिए जब हम फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो हम इस एलिमेंट के लिए वर्क नहीं करेंगे, इस एलिमेंट के लिए वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ वन के लिए काम करेंगे और वन हो जाएगा साइन रूल के हिसाब से माइनस। तो पहले हम लिखेंगे ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट माइनस वन और वन के रिगार्डिंग हम रो टू कॉलम वन छोड़ देंगे तो मेरे पास बचता है माइनस ए जीरो माइनस ए ए। चलिए आगे तो ये आ जाएगा ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जीरो तो वही ये बनेगा माइनस वन इंटू माइनस ए स्क्वायर इट मीन्स ए स्क्वायर तो ये आ जाएगा फिर ए स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमें ये लेकर के आना था और जो हम लेकर के आ भी चुके हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ चुका है। चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं जल्दी से। आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमें आगे चलना है। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं फटाफट। और ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10, उसके बाद 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, और उसके बाद में x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल्स टू 0। ये हमें सिस्टम दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड आंसर निकालना है, x y z की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो जरा सोचिए फटाफट कैसे इसको आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। वही प्रोसीजर है जो आप अप्लाई करते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, और उसमें हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। तो हम अपना जो क्वेश्चन है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा देखिए, 1 1 1 2 1 0 1 1 -4 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 10 13 0। ऐसे हम अपने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए आगे, इतना कुछ लिखने के बाद हम लिखेंगे दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर ए इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 0 1 1 -4, एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल्स टू 10 13 0। ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब इसके बाद निकालेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स 1 1 1 2 1 0 1 1 -4। इसको हम किसी एक कॉलम या किसी एक रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको
किसी एक रो या किसी एक कॉलम में रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5। इसको आप करके देखेंगे, ये इसका आंसर आएगा 5 एंड 5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट। उसके बाद निकालिए ऑल कोफैक्टर्स, ठीक है? तो निकालिए फटाफट कोफैक्टर, मींस C11। तो C11 के लिए आप फर्स्ट रो छोड़िए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, तो 101-4। उसके बाद में C12 निगेटिव आएगा, तो यहां से फर्स्ट रो छोड़िए, कॉलम नंबर 2 छोड़िए, तो बचेगा 201-4। तो इसी तरह से आप जो बाकी मेरे पास में कोफैक्टर्स हैं उनका भी आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने दो ऐसे लिख दिए हैं, बाकी मैं इन सब का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। C13 फिर C21 फिर C22 और C23 C31 C32 और C33। चलिए, तो यहां से C11 आएगा -4, C12 आएगा 8, फिर आएगा 1 5, 2 2 -5, 2 3 ये 0 आएगा, और 3 1 -1 आएगा, 3 2 ये 2 आएगा, और 3 3 -1 आएगा। जैसे मैंने ये निकाल के दिखाई है आपको कि C11 के लिए फर्स्ट रो छोड़िए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, बाकी एलिमेंट को लिखिए, उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा चलना होता है। इन सिमिलर वे फॉर C12 फर्स्ट रो छोड़िए, कॉलम 2 छोड़िए, तो ये मेरे पास में आ चुका है, इसको ओपन कर दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आंसर आ गया। इन सिमिलर वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग 7 कोफैक्टर विच आर 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। क्लियर? अब इन सबको फटाफट रख दीजिए आप, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ऑल कोफैक्टर। तो जो मेरे पास कोफैक्टर है C11 -4, C12 8, C13 1, C21 5, C22 -5, C23 0, C31 -1, C32 2, C33 -1। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पे वर्क करेंगे, इसका ट्रांसपोज कीजिए। जब ट्रांसपोज करेंगे आप एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बनेगा -4 8 1 5 -5 0, -1 2 -1, तो ये आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए निकलने के बाद अब चलेंगे हम लास्ट प्रोसेस पे, वो क्या होता है, X inverse to A inverse B। लेकिन A inverse हमारे पास में नहीं है, तो पहले निकालिए आप A inverse को, तो A inverse आ जाएगा 1/ डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A वो मेरे पास में है 5 इनटू एडजॉइंट ऑफ A
एडजेंट ऑफ ए स्क्वायर के फटाफट माइनस फोर फाइव माइनस वन एट माइनस फाइव टू वन जीरो माइनस वन। अब आप यहां से चलते हैं लास्ट स्टेप में, मींस एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मैंने ये दोनों को मैंने रफ कर दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गई। एक्स प्लस वाई जेड इक्वल्स टू टेन और टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थर्टीन और एक्स प्लस वाई माइनस फोर जेड इक्वल्स टू जीरो। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीन शॉट लेगा उसको जो है आपको लिख लेना है, फिर मैं आगे चलता तो उसको रफ करना पड़ेगा कुछ पोर्शन। जल्दी कीजिए, जल्दी दीजिए स्क्रीन शॉट। चलिए अब लिखेंगे हम x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। बाकी x की वैल्यू मींस x y z ए इनवर्स, ए इनवर्स मेरे पास है वन अपॉन फाइव टाइम ऑफ डेट वाली लिखी थी रफ हुई थी इसको सर देखते हैं वो चेक करते हैं मेरी सब चेक करते हैं क्योंकि मैथ्स में स्पेस कम पड़ता है और वो डेट इधर लिखी हुई थी। ठीक है बीच में उतर जा रहा हूँ भाई, मुझे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये इधर के कोने यूज करने पड़ते हैं ना, कई बार इससे सारे का सारे किसी चोट में आ जाए, इसलिए वो रखोगे माइनस फाइव माइनस वन लिखी होगी फाइव टू वन जीरो माइनस वन। चलिए इनटू बी, बी मेरे पास में टेन थर्टीन जीरो, टेन थर्टीन जीरो। ठीक है तो इस तरह से लास्ट स्टेप पे हम आ चुके हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान रहे जब इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में होगी, इसका ऑर्डर थ्री बाई वन है, सॉरी थ्री बाई थ्री और उसका ऑर्डर थ्री बाई वन है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी इन दोनों के लिए वो बनेगी थ्री बाई वन की। तो आप लिखिए इसको एक्स वाई जेड इंटू वन अपॉन फाइव मैट्रिक्स माइनस फोर इंटू टेन प्लस फाइव इंटू थर्टीन प्लस माइनस वन इंटू जीरो। दिस विल बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। नाउ 8 इंटू टेन प्लस माइनस फाइव इंटू थर्टीन प्लस टू इंटू जीरो, दिस विल बी द फर्स्ट एलिमेंट इन सेकेंड रो। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पे फर्स्ट रो में एक एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो में भी एक एलिमेंट आएगा, थर्ड रो में भी एक एलिमेंट आएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस फोर इंटू टेन माइनस फोर्टीन थर्टीन फाइव सिक्सटी फाइव और ये हो जाएगा जीरो। उसके बाद 80 और ये हो जाएगा जीरो और लास्ट में आएगा वन इंटू टेन टेन प्लस जीरो माइनस जीरो। चलिए आगे सो एक्स वाई जेड वन अपॉन फाइव ये मेरे पास बनेगा 25, ये मेरे पास बनेगा 15 और यहां जाएगा 10। अब वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई कीजिए इन तीनों में तो आएगा मेरे पास में 5 3 2 एक्स प्लस टू फाइव वाई प्लस टू थ्री जेड प्लस टू टू। So this is the value of
थ्री वेरिएबल x, y, z, ठीक है, इन विच x इज 5, y इज 3 एंड z इज 2, क्लियर। सो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं आपको, और क्वेश्चन अब काफी हो चुके हैं। मैं कल आपकी इस डिटरमिनेंट चैप्टर की प्रॉब्लम लूंगा, उसको आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ में, और मुझे बता देना है आज। कल हम स्टार्ट करेंगे यहां पे नया चैप्टर कंटिन्यूटी, क्लियर। अपना थर्ड चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, सॉरी स्टार्ट करेंगे। दो चैप्टर पूरे हो चुके हैं, मैट्रिक्स पूरा हो गया, डिटरमिनेंट पूरा हो गया है जो आप कर रहे हैं, और अब इसके बाद में बचता है हमारा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी। कंटिन्यूटी के लिए जो लिमिट है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, क्लास 11th का जो लिमिट का पोर्शन है उसको आप पढ़ लें अच्छी तरह से, क्योंकि वो पोर्शन वहां पे यूज होना है कंटिन्यूटी चैप्टर में, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी, वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स कल, और अभी आज ये डिटरमिनेंट पूरा हो चुका है। क्वेश्चन काफी कुछ यहां से मैंने करा भी दिए हैं आपको, और आपने समझ भी लिया होगा, क्लियर। यदि अभी भी किसी की कोई प्रॉब्लम बची हुई है तो उसको शेयर करें, मुझसे बताएं, फोन करें, व्हाट्सएप करें, लेकिन भी प्रॉब्लम को जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने काफी कुछ यहाँ पे चैप्टर में करा दिया है, क्वेश्चन भी बहुत सारे करा दिए हैं, और एग्जाम्पल भी कराए हैं, अदर बुक से भी कराए हैं। तो आपको यदि कोई एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन से, दोनों चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं जो आपके यहां पे हो चुके हैं, तो उनको आप मेरे से पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना इससे नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी। उसके लिए आप क्लास 11th का जो चैप्टर पढ़ा था हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसको रिवाइज करें आज बैठ करके, और यदि कुछ प्रॉब्लम है उस चैप्टर में तो उसको आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं उसको करा दूंगा, क्लियर। लेकिन हम कभी तभी करा पाएंगे जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो आज बैठ करके ये आपका होमवर्क है, चैप्टर डिटरमिनेंट को पूरा करें, मैट्रिक्स पहले पूरा हो चुका है, तो आपके दो चैप्टर सिलेबस के, मींस फर्स्ट वॉल्यूम के दो चैप्टर पूरे हो चुके हैं, और थर्ड चैप्टर हम कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही है, इस चैप्टर को आप आज पूरा कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं जरूर, छुपाएं मत, क्योंकि बताएंगे तो उसको मैं करा दूंगा, और यदि आप छुपाएंगे तो फिर कुछ पता नहीं चल पाएगा, वो तो सिर्फ एक धोखा देने वाली बात हो जाएगी, क्लियर। तो इस तरह से आप अपना वर्क करते रहेंगे।